जय माता दी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें छठी मैया की कृपा आप सब पे बनी रहेगी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि छठ पूजा के दौरान भूल कर भी ना करें ये आठ गलतियाँ वो कौन सी ऐसी आठ गलतियाँ हैं जो कि छठ पूजा के दौरान आपको भूल कर भी नहीं करनी है चाहे आप छठ व्रत कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे आपको बता दें कि साल में दो बार छठ पूजा आता है एक कार्तिक में के महीने में और दूसरा चैत के महीने में कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है यह पर्व चार दिनों तक मनाया जाता है। आपको बता दें कि साल 2021 में कार्तिक छठ पूजा 8 नवंबर से शुरू हो रही है 8 नवंबर 2021 को नहाए खाए किया जाएगा 9 नवंबर को खरना होगा और 10 नवंबर को संध्या अर्ध होगा और 11 नवंबर को सुबह अर्ध देके के उषा काल अर्ध और व्रत का पारण किया जाएगा छठ पूजा बहुत ही पवित्र पूजा होती है यह दिन छठी माता को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करने का होता है इस दिन ऐसी गलतियाँ करने से बचना चाहिए जो अशुभ घटनाओं या अशुभ फल का कारण बनती है मान्यता के अनुसार छठ मैया बड़ी दुलारी होती है और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है इसलिए छठ पूजा के दौरान कई बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले चलिए जानते हैं छठ पूजा की महिमा क्या है तो जिन लोगों को संतान नहीं हो रहा है या जिनको संतान संबंधी परेशानियां हैं उन लोगों को तो छठ व्रत जरूर करना चाहिए इस व्रत को रखने से संतान संबंधी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। व्रत के नियम बहुत कठिन है मान्यता के अनुसार भले ही आप छठ व्रत ना कर रहे हो लेकिन इन दिनों आपको भूल कर भी मांस मदिरा प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है घर का कोई एक सदस्य भी अगर छठ व्रत रखा हो तो नियम पूरे परिवार को मानना पड़ता है स्वच्छता एवं सुधता का पूरा ध्यान आपको रखना है। पूजा सामग्री को तो भूलकर भी बिना स्नान किए और शुद्ध वस्त्र धारण किए नहीं छूना रहता है प्रयास करें कि व्रती को जमीन पर ही केवल कम्बल डालकर सोना है कम्बल को शुद्ध माना जाता है पलंग पर इन चार दिनों में सोना वर्जित होता है ब्रह्मचर्य का पालन परिवार के सभी सदस्यों को करना है पूजा में इस्तेमाल करने वाले सारे बर्तन पीतल के होने चाहिए यहाँ तक कि भी आप सूर्य देव को जो अर्ध देंगे अर्ध का लोटा भी पीतल का ही होना चाहिए भूल कर भी आप स्टील के या प्लास्टिक के बर्तन से आप सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देंगे बांस की टोकरी और बांस के सूप का विशेष प्रयोग होता है छठ पूजा में आपको ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि अर्ध का जो सामान होता है वो बांस की टोकरी में ही रखा जाता है नहाए खाए के दिन व्रती को अरवा चावल चने की दाल के और लौकी की सब्जी खानी चाहिए इसके अलावा आप जो भी खाएँ वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए प्याज लहसुन डालकर उसमें नहीं बनाना है पहले व्रती को खाना खाना है तब घर के अन्य सदस्य प्रसाद के रूप में उस भोजन को ग्रहण करेंगे छठ व्रत का जब प्रसाद बनता है चाहे वो खरना का हो या अर्ध का हो भूल कर भी वहाँ पर बच्चों को जाने नहीं देना है और प्रसाद बनाते समय ध्यान रखे कि कोई जूठा बर्तन वहाँ पर ना रहे शुद्धता का पूरा ध्यान आपको रखना है छठ व्रत का मेन प्रसाद ठेकुआ होता है ठेकुआ बनाने के लिए जो गेहूँ धोया जाता है और सुखाया जाता है उसमें भी शुद्धता एवं स्वच्छता का ध्यान रखना है ध्यान रहे कि कोई भी चिड़िया इसे जूठा ना कर दे छठ पूजा में केले का पूरा गुच्छा चढ़ाया जाता है साथ ही गन्ना भी अर्पित किया जाता है पांच प्रकार के फल रहते हैं टोकरी में अनानास बड़ा नींबू मूली सेब सिंघाड़ा अदरक कच्ची हल्दी नारियल इत्यादि रखते हैं पूजा के चार दिनों तक आपको कोरे यानी कि नए वस्त्र पहनने हैं चूड़िया भी आपको नई ही पहननी होगी छठ मैया की मनौती को भूलना नहीं है चाहिए जो आपने मनौती मानी है उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लेना चाहिए अर्घ देने के लिए जो आप प्रसाद बना रहे हैं तैयार कर रहे हैं तो तैयार करने वालों को चाहिए तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक कि प्रसाद पूरी तरह से तैयार ना हो जाए अगर आप प्रसाद बनाने में व्रती की मदद कर रहे हैं तो पूरी शुद्धता के साथ आप वहाँ पे प्रसाद बनाने जाएं। छठी माता को पूजा में कई प्रकार के फल अर्पित किए जाते हैं मान्यता है कि इस दौरान व्रती को फलों का सेवन नहीं करना चाहिए पूजा पूरी होने के बाद ही फलों का सेवन करना चाहिए इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप छठ व्रत करते आ रही हैं और अगर किसी साल आप पीरियड हो जाएं तो छठ व्रत का सूप अवश्य लगाएं यानी कि एक सूप में सब प्रकार के फल फूल धूप दीप इत्यादि जो व्रती व्रत जो छठ व्रत कर रहे हैं उन्हें देकर आप करवा लें और आप सिर्फ उपवास रखें इस प्रकार आपका छठ व्रत भंग नहीं होगा उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई सवाल है छठ व्रत को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं मैं उसका रिप्लाई दूंगी।